झारखंड के जमशेदपुर में रविवार को धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। मामला शास्त्री नगर का है, जहां दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इस दौरान दो दुकानों और एक ऑटो रिक्शा में आग भी लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार की घटना के बाद हालात को काबू में करने के लिए इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस ने सोमवार सुबह को इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। SSP प्रभात कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शास्त्री नगर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सिचुएशन अभी पीसफुल है, जो लोग भी इकट्ठा हुए थे सब लोगों को अपने अपने घर भेज दिया गया। आप देख रहे हैं पूरे इलाका में फोर्स तैनात कर दी गई है और पूरे इलाका में पुलिस गश्ती कर रही है, अभी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ CCTV और ड्रोन से इलाके में निगरानी भी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में शनिवार रात से ही तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जब स्थानीय संगठन के सदस्यों को रामनवमी के झंडे पर मांस का एक टुकड़ा मिला था। इसके बाद रविवार शाम को स्थिति तब हिंसक हो गई जब एक दुकान में आग लगा दी गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में ईंट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। मंदिर के कैंपस के बाहर जितने जगह झंडा बांधा रहता है उसको सम्मान कार्यकर्ता ले उतारते हैं। मंदिर के कार्यकर्ता जब यहाँ उतारने आए तो यहाँ करीब 7 फीट की ऊंचाई पर झंडा में पॉलिथीन में करके पचौनी सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा वो टांगा हुआ था। हमारा यह मांग है कि ये पूरी सेंसिटिव जोन है और हमारे हिंदुओं को मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए योजनापूर्ण ढंग से अपराधियों के द्वारा यह गलत कृत्य किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।